हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली जो कन्फ्यूज़न काफ़ी टाइम से चल रहा है बोर्ड का स्टूडेंट्स के दिमाग में कि भैया परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, फाइनली वो क्लियर हो चुका है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको ये जो न्यूज़ पब्लिश हुई थी अमर उजाला में, उसके बिहाव पर ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको। एमपी बोर्ड फीडबैक के आधार पर होगा 12वीं बोर्ड परीक्षा का निर्णय, 10वीं के संबंध में लिया यह फैसला। तो कौन सा फैसला लिया है इस चीज़ को मैं क्लियर आपको इस वीडियो में कर दूंगा। एंड यू कैन ट्रस्ट मी कि जो सोर्स है, मैंने इससे पहले कोई वीडियो नहीं बनाया जब तक कि मेरे पास कोई फुल प्रूफ न्यूज़ मेरे पास नहीं थी। मैंने आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया जो आपको कन्फ्यूज़ करे। तो क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स, अब आप डिसाइड करिए कि 11th में एडमिशन लेने के साथ साथ आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। यानी कि ये क्लियर हो चुका है कि किस मतलब कि ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो अब नहीं होगी, ना तो ऑनलाइन होगी और ना ही ऑफलाइन होगी। सिर्फ और सिर्फ आपका रिज़ल्ट बनेगा। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, तो ये रिपोर्ट हम पूरी पढ़ लेते हैं। 10वीं कक्षा का अंतिम परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन यानी कि आपके स्कूल जो मार्क्स देंगे उसके बेसिस पर यह निर्णय सोमवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल और शिक्षा विभाग की औपचारिक बैठक में लिया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बताते हैं कि पिछले सत्र यानी 2019-20 में एमपी बोर्ड के छात्रों को दूसरे राज्यों में दाखिला लेने में विभिन्न तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि इस बार 10वीं बोर्ड का परिणाम CBSE की तर्ज पर तैयार करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि पिछली बार जैसे कि आपके 4 पेपर हुए थे, 3 पेपर हुए थे, तो सिर्फ उन्हीं के मार्क्स जो है वो मार्कशीट में थे, बाकी नहीं थे, ठीक है। तो इस तरह अब नहीं होगा, अब हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स आपको मिलेंगे और वो आपके इंटरनल जो असेसमेंट है उसके बेस पर होगा। यानी कि आपने हाफ ईयरली जो दी थी, टेस्ट जो दिए थे, रिवीजन टेस्ट जो दिए थे, उसके बेस पर आपका रिजल्ट जो है वो बनना तय अब हो चुका है। नेक्स्ट, 12वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में नहीं लिया कोई निर्णय। अब बोर्ड कन्फ्यूज़ है, 12th के बारे में कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक शिक्षा मंडल ने जून में प्रस्तावित कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। शिक्षा मंत्री के अनुसार 12वीं कक्षा के बाद विद्यार्थियों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में दाखिला लेना होता है, इसलिए अंतिम निर्णय लेने से पहले एमपी शिक्षा विभाग, CBSE एवं अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली आदि के शिक्षा मंडलों से फीडबैक ले रहा है। इनसे फीडबैक लेंगे, फीडबैक इकट्ठा करेंगे, उसके बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि 12th की एग्ज़ाम लेना है या नहीं लेना है, और अगर लेना है तो किस तरह से लेंगे, ऑनलाइन लेंगे, ऑफलाइन लेंगे, ओपन बुक लेंगे, किस तरह से लेंगे, ये डिसाइड होगा। जून में होगी 12वीं की परीक्षाएं। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने देश में कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। वहीं 1 मई को प्रस्तावित कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को जून में आयोजित करने का निर्णय लिया है। हालाँकि यह परीक्षाएँ ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में होगी, इसका फैसला लेना अभी बाकी है। तो एमपी बोर्ड फीडबैक लेगा दूसरे बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, इनसे फीडबैक लेके एक रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि ये एग्ज़ाम किस तरह से होगी, ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन। बट स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप याद रख माइंड में लेके चलिए कि जहाँ तक है 95% एग्ज़ाम होने के चांसेस है, कैंसिल होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन की वजह ऑनलाइन हो जाए, बट एग्ज़ाम तो होगी। अब ऑनलाइन होगी तो उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज़ होंगे, अभी से आप उसको ऐसे मत लेके चलिए कि बस ऑनलाइन होगी तो बुक सामने रखेंगे और एग्ज़ाम दे देंगे। नहीं, हो सकता है अगर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा ली तो फिर दिक्कत आ जाएगी, या फिर आपको पेपर मिलेगा उसके जस्ट 3 घंटे या 3.5 घंटे में आपको सबमिट करना है, ऐसा हो सकता है। तो कई सारी चीज़ें हो सकती है जो हो पॉसिबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, बहुत जल्दी इस चीज़ पर भी डिसीजन आ जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, इवन 15 मई तक जो है वो डिसाइड हो जाएगा। अभी तो एक चीज़ और बीच में उलझ रही है, वो है आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, क्लास 12th की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स। उसका बोला गया था कि 20 मई
तक ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हो जाएगी, लेकिन उससे रिलेटेड अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। जैसा कि मानो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना ही नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, कोई रिपोर्ट्स नहीं आ रही है, कोई बयान वगैरह जो है बोर्ड की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से कहीं से भी ये नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आप अपना काम करते जाइए ईमानदारी से। हाँ, टेंथ वालों के लिए बिल्कुल ये अच्छी बात है कि उनकी एग्ज़ाम फाइनली कैंसिल हो चुकी है। नाउ दे कैन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट क्लास के लिए वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादा चुपचाप मत बैठ जाना कि निढल्ले बनके कि हो गए पास अब टेंथ, अब क्या करना, ऐसा नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए स्टूडेंट्स। फुल प्रूफ न्यूज़ है, बिल्कुल कैंसिल हो चुकी है, 100% कैंसिल हो चुकी है टेंथ की एग्ज़ाम। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।